टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज के व्लॉग को करते हैं हम यहाँ पे स्टार्ट। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। सो आज के दिन की शुरुआत हो रही है पार्सल से। ये आ गया मेरा पहला पार्सल और आज मेरे 3 पार्सल आने वाले हैं और मैं आपको 1 by 1 करके बताऊंगी कि मैंने क्या क्या ऑर्डर किया है। और ये मेरा पहला पार्सल आया है, बाकी इसके बाद आएंगे। तो सबसे पहले हम इसको करते हैं ओपन और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या ऑर्डर किया था और वो कैसा आया था, उसके रिव्यूज भी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो व्लॉग के एंड तक बने रहे और देखते रहिए कि क्या क्या पार्सल आने वाला है। सो इसको करते हैं पहले ओपन। सही दिल से निभाना कभी, लंबी रात सही ख्वाब तो दिखाना कभी, मैं हूँ तारा तेरा जान बन जाना कभी। बट काफी अच्छी है, रिव्यूज भी बहुत अच्छे हैं इसके। तो मैं इसको वेयर करके दिखाती हूँ। ये है और ये ऐसे लॉक हो जाती है और ये ऐसे करके ओपन हो जाती है। और यहाँ पे मैं फिट करूंगी इसका कैमरा, कैमरा मतलब फोन यहाँ पे फिट करके इसके साथ लगाऊंगी। और उसके बाद मैं जब भी बाहर जाती हूँ स्कूटी वगैरह पे तो मुझे किसी इंसान की जरूरत नहीं पड़ेगी साथ में व्लॉग शूट करने के लिए, मैं खुद ही व्लॉग शूट कर सकती हूँ इसकी हेल्प से। बट सीरियसली ये बहुत अच्छी है, रेट के अकॉर्डिंग भी बहुत अच्छी है। अगर आप चाहें तो इसको बाई कर सकते हैं। ये देखिए इसकी लुक भी बहुत अच्छी है। 1 hour later तो गाइस आ गया दूसरा पार्सल भी, दिखाती हूँ अभी इसमें क्या है। ये है हमारी स्कूटी का फुट मैट, क्योंकि हमारे जो स्कूटी का फुट मैट है वो कहीं गिर गया था, हमें पता नहीं चला अचानक से। वॉश करने के लिए दी थी स्कूटी और वहाँ पे वो कहीं रह गया और हमें मिला नहीं वापस। तो हमने ये ऑर्डर किया था अमेजोन से। ये तो बहुत अच्छा है, आप देखते हैं इसको स्कूटी पे लगा के कि कैसा लगता है। सो गाइज मैंने इसमें लगा दिया है ये मैट और इसकी लुक बहुत अच्छी है, देख सकते हैं आप। और इसका स्टफ भी बहुत अच्छा है। तो अभी तीसरा पार्सल आना बाकी है और वो कुछ स्पेशल है, वो तो मैं आपको बताऊंगी जैसे ही वो आता है, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ वो तीसरा पार्सल क्या है। तो गाइस मैं तो इतनी गहरी नींद में सो रही थी लेकिन ये कुरियर वाले मुझे सोने नहीं देते हैं। तो फाइनली मेरा लास्ट वाला कुरियर आ गया है और ये रहा वो कुरियर, आपको देख के पता चल ही जाएगा क्योंकि इसमें कोई कवर नहीं है ऐसा जिससे ये ना दिखे। तो अभी मैं इसको ओपन करने वाली हूँ तो देखते हैं इसमें। मैंने ऑर्डर की थी रिंग लाइट, अब देखते हैं कैसी आई है वो और आपको भी दिखाते हैं। अरे भाई साहब ये तो खुलती ही नहीं, ओहो इसमें टेप लगी है। अभी आपको दिखाते हैं हम, ये तो बैग में है। ये रही रिंग लाइट, आई मैं इसका सेटअप करूंगी उसके बाद फिर आपको दिखाती हूँ कि ये कैसी है। इस स्टैंड को रिंग लाइट से एडजस्ट करके मैं आपको दिखाऊंगी। और ये स्टैंड मैंने अलग से मंगवाया है अमेजोन से और इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। और ये 9 feet का है बट जबकि मेरी हाइट बहुत ही छोटी सी है, प्यारी समझ गई मैं 5 feet की हूँ तो, लेकिन फिर भी चलो जो बड़ा होगा वो भी इसको यूज कर सकता है। अभी मैं इसको सेट करके दिखाती हूँ आपको। सबसे मांगे तुझे और कुछ मांगे ना, लकीरें साथ मांगे गेरों का रंग भावे ना, किस्मत मंजूरी ना दे तू ही मन को भावे ना, परदेसी बिना तेरे शहर की गलियां सुनी, होली में रंग नहीं ईदी में भी चांदनी नहीं, कहने को महीना ये मोहब्बत वाला झूठा है, साजन बिन सजनी चांद बिन चांदनी नहीं। A few moments later. So finally ring light को मैंने ready कर लिया है। यहाँ पे लगता है इसका फोन, इसको आप जैसे भी करके adjust कर सकते हैं, ये आगे पीछे ऊपर नीचे जैसे भी है rotate हो जाता है। तो उसके बाद हम इसको ऑन करेंगे, लेकिन ऑन करने से फोन पे लाइट पड़ रही है तो वीडियो अच्छी नहीं बन रही, इसलिए मैंने इसको ऑन नहीं किया। बट इसकी लाइट जो है वो बहुत ज्यादा है, जब भी वीडियो शूट करनी होती है तो मुझे इसको बहुत कम पे रखना पड़ता है क्योंकि ये आइस पे पड़ती है और उससे वीडियो अच्छी नहीं बन पाती है। तो अभी करते हैं
व्लॉग को खत्म, क्योंकि मुझे करनी है थोड़ी सी वीडियो शूट, रील्स वगैरह बनानी है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइज।